इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सोमवार से 3 दिनी युवा महोत्सव का आगाज हुआ। युवा महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुतियां देखने को मिली। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सोमवार को युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति प्रोफेसर आशुतोष मिश्र ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया था तो यहाँ बैठी टीम मुझे दिख रही है जिसके सक्रिय भाग लेने से, उनका इन्वॉल्वमेंट होने से वो एक सफल आयोजन के रूप में सिद्ध हुआ था। उस समय ये हुआ था कि हमारे विश्वविद्यालय में राज्य शासन ने 22 विधाओं के लिए कहा था कि 22 विधाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय, लेकिन मुझे खुशी है कि वो 3 विधाएं जो नेशनल स्तर पर हुआ करती थी वो अब इसमें शामिल हो गई हैं, तो अब हम नेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट्स की तरह भूमिका में आ गए। इसके बाद छात्र छात्राओं ने मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज उठा। इस महोत्सव में अंतर जिला प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने जा रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम में 30 से 40 टीम भाग लेंगी, जिसमें इंदौर के सभी कॉलेजों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।